आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरी के बाद आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ SCG इंजेक्शन के बारे में। SCG SPIU इंजेक्शन, ये होता क्या है, ये किन महिलाओं को लगाया जाता है, ये क्यों लगाया जाता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में आपके अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो उसको भी आप ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे SCG SPIU इंजेक्शन आखिर ये है क्या। SCG एक हार्मोन्स होता है जो महिलाओं के अंदर उपस्थित होता है। ये अंडाशय में अंडे को सामान्य रूप से विकसित करने में और ओवुलेशन के दौरान अंडे की रिहाई में यानी कि अंडे के रैप्चर होने में मदद करता है। लेकिन कुछ कारणवश कई महिलाओं को इसमें गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि इस हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे उनके अंडे सामान्य रूप से नहीं बन पाते और अपरक्चर भी टाइम पर नहीं हो पाते। तो इसलिए उनको जब उनका ओवुलेशन टाइम होता है तब उनको SCG इंजेक्शन लगाया जाता है। SCG SPIU इंजेक्शन उन महिलाओं को लगाया जाता है जिनके अंडों में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, वो सही रूप से विकसित ना हो पा रहे हो, साथ में वो रक्चर ना हो रहे हो, तो उस वक्त में SCG इंजेक्शन महिलाओं को लगाया जाता है। क्या ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं? ये सिर्फ आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही लगवाना चाहिए। इससे पहले डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करेगी, उसमें देखते हैं कि अंडे किस साइज़ में बन रहे हैं, उसके बाद ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी कि पहले आपका डॉक्टर चेक करेगी कि अंडे बन भी रहे हैं नहीं बन रहे हैं, किस साइज़ के बन रहे हैं और क्या वो रप्चर टाइम पर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जिन महिलाओं को नहीं होते उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ लगाया जाता है। इसके लिए काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। कोई कहता है ये कमर पे लगता है, कोई कहता है ये हिप्स पे लगता है, कोई कहता है हाथ पे लगता है। लेकिन इसका जो मेन तरीका है लगाने का वो आपकी मांसपेशियों में लगाना का है, यानी कि आपकी त्वचा के नीचे। तो डॉक्टर अपने हिसाब से लगाता है, किसी को कमर पर लगाता है, किसी को हिप्स पर और किसी को हाथ पर भी लगाता है। तो ये डॉक्टरों का अलग अलग लगाने का तरीका है। इसके बाद में इसके इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो इफ़ेक्ट इसके बहुत कॉमन से हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसका मेन काम आपका ओवुलेशन के दौरान अंडे की रिहाई यानी कि आपको अंडे रैप्चर होने में मदद करना और अंडे को एक सामान्य रूप से विकसित होने में मदद करना है। तो इसका इफ़ेक्ट भी यही है। जिन महिलाओं को सबको कुछ देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और फिर भी आपका जो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केसेस में SCG SPIU इंजेक्शन आपको डॉक्टर लगाती है और कंसीव करने में मदद करती है। एक सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि इसकी परसेंटेज क्या है सक्सेसफुल रेट। एक्चुअली इसकी कोई भी परसेंटेज नहीं है सक्सेसफुल होने की। ये कई महिलाओं को सक्सेसफुल हो जाता है और कई को नहीं होता। इसकी परसेंटेज काफ़ी कम है, बट यही है कि अगर किस्मत है तो ये कई बार सक्सेसफुल फर्स्ट टाइम में ही हो जाता है। बात करेंगे कितनी बार लगाया जाता है। यह आपके ओवुलेशन के टाइम में एक मंथ में एक बार ही लगता है, बाकी ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको कितने महीने तक इसको लगा रही है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं, कई बार ये ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकते हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हल्के हैं। जैसे आपके पेल्विक एरिया में दर्द होना, पेट में दर्द होना, हाथ पैरों में सूजन होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, मितली आना, कम यूरिन का पास होना, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो इसके बाद में हो सकती है। सावधानियां क्या रखनी चाहिए इसको लगाने के बाद। इससे पहले आपको जब भी कोई, अगर आप कोई इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं चाहे वो ये है या कोई भी है, तो आपको डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी देनी चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको थायराइड है, आपको शुगर है, तो वो आप डॉक्टर से शेयर ज़रूर करें। उससे पहले अपना हेल्थ चेकअप जो भी आपने कराया हो वो डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। अगर आपको किसी तरीके की कोई एलर्जी है तो वो भी आपको डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि ये कब कब लगाते हैं और मेनली महिलाओं को ही लगता है या पुरुषों को भी लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।